नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता। आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल। संडीला में आयोजित जनादेश यात्रा के जनसंवाद डॉक्टर मनोज पांडे व जूही सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित किया। बता दें कि आज संडीला विधानसभा 161 में समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विधायक व पूर्व मंत्री माननीय डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जी ने और महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती जूही सिंह जी ने जनपद हरदोई के संडीला में आयोजित जनादेश यात्रा के जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में उमड़े विशाल जनसमूह हाथ उठाकर संकल्प लिया, 2022 उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को लाना है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन सावित्री के राष्ट्रीय अध्यक्ष रफीक लनबू ने संगठन के सैकड़ों लोगों के साथ माननीय डॉक्टर मनोज कुमार पांडे और श्रीमती जूही सिंह का गिफ्ट और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। बता दें कि समाजवादी पार्टी की 2022 में पूर्ण बहुमत सरकार बता दें कि समाजवादी पार्टी की 2022 में पूर्ण बहुमत सरकार बनाने का संकल्प लिया और जनसंवाद एवं संडीला कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजक डॉक्टर अश्वनी सिंह संभावित विधायक प्रत्याशी विधानसभा 161 संडीला का जिलाध्यक्ष रफीक लनबू ने 21 किलो का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू ने माननीय अखिलेश यादव द्वारा किए गए विकास के कार्य और बढ़ती महंगाई तथा अनेक नए कार्य करवाने का जनता से वादा किया, 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का वादा किया। इस बीच में अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता और हमारे पत्रकार साथी भी मौजूद रहे। देखें संतोष मौर्य की यह रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी से उसको हम लोग ये नहीं देखना कि किसको टिकट मिला किसको नहीं, जिसको भी टिकट मिले हमें वोट देना है। इसलिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग